इस ऑडियो से आप दैनिक जीवन में मूल भाव करना सीखेंगे और किसी से भी अपनी बात मनवाने के तरीके सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। Never split the difference. Negotiation में स्पेशलिस्ट एक फॉर्मर FBI एजेंट आपको टेंस और एंजॉयबल एडवेंचर पर लेके जाता है, जहां आप सीखनेंगे कि बेहद क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। को सब्सक्राइब और इस बुक समरी से आप जानेंगे कि नेगोशिएशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इसे हम एक स्किल की तरह आसानी से सीख सकते हैं। जो टूल्स और टेक्निक्स नेगोशिएशन में यूज होते हैं वो बेहद काम के है, और यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों ये टूल्स और टेक्निक्स काम करते हैं। September 30, 1993, ये पतझड़ के मौसम की बात है। सुबह करीब 8:30 पर 7th एवेन्यू और कार्रोल स्ट्रीट इन ब्रुकलिन के चेज मैनहट्टन बैंक का अलार्म बजा। मास्क लगाए दो रोबर्स बैंक लूटने आए थे। बैंक रोबेरी पर तो बहुत सारी मूवीज बनती है, लेकिन न्यूयॉर्क में लगभग 20 सालों से ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। मैंने इस मिशन में सीखा कि एक गुड नेगोशिएटर्स किसी भी तरह की पॉसिबल सरप्राइज के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन ग्रेट नेगोशिएटर्स अपनी स्किल्स यूज करने के लिए एक गोल सेट करते हैं ताकि जो भी सरप्राइज है वो खुल जाए। हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है कि नेगोशिएट करते वक्त मल्टीपल हाइपोथेसिस प्रिपेयर करना बेस्ट तरीका है कि ऑनगोइंग सिचुएशन क्या है और क्रिमिनल्स क्या डिमांड कर सकते हैं। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन उनके सामने होती है वो उसे यूज करके सही हाइपोथेसिस से मैच कर सके। और सबसे जरूरी बात है कि किसी भी नेगोशिएशन को जीतने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट पर जोर नहीं देना है, बल्कि अपना मेन फोकस सामने वाले पर रखो कि वो क्या चाहता है। इस तरीके से आप उन्हें फील करा सकते हो कि वो सेफ है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आपका मेन गोल सामने वाले और उसकी इमोशनली या दूसरी जरूरत पर होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप उनकी बात ध्यान से सुनोगे, उनके इमोशंस समझने की कोशिश करोगे। एक सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो है जल्दबाजी करना। आप जब तक उनकी बात ध्यान से नहीं सुनोगे, उन्हें फील नहीं होगा कि आपको उनसे सिंपथी है, क्योंकि ऐसा ना करने का मतलब होगा उनके ट्रस्ट और पूरे प्रोसेस को ही डिस्ट्रॉय करना। कई रिसर्चर्स ने ये चीज डिस्कवर की है कि आप प्रोसेस को जितना टाइम देंगे उतना ही सामने वाला शांत होता जाएगा। और टेक्निक के साथ आपकी आवाज मोस्ट पावरफुल टूल है जो आप यूज कर सकते हैं। हमारी आवाज एक की है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, जिससे आप सामने वाले को इमोशनली ट्रिगर कर सकते हो, जैसे कोई इमोशनल स्विच होता है। जितना हो सके अपनी आवाज को पॉजिटिव और प्लेफुल बनाए रखें। इससे आप भी रिलैक्स फील करेंगे और सामने वाला भी। जब तक आपकी वॉइस टोन सॉफ्ट रहेगी, आप डायरेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। एक और टेक्निक जो हमने सीखी थी वो है मिररिंग, यानी आइसोप्रैक्सिज्म, और ये इमिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह का न्यूरोबिहेवियर है जिसमें दो लोग जो नेगोशिएटिंग कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं और कंफर्ट फील कराते हैं। FBI में हम मिररिंग तब करते हैं जब हम अपने काउंटरपार्ट के बोले गए मोस्ट क्रिटिकल 1 से 3 वर्ड्स रिपीट करते हैं। रिपीटिंग से मिररिंग एस्पेक्ट को हम ट्रिगर करते हैं, उन्हें जताने के लिए कि हम सेम उनकी तरह है। इस तरह बिना कोई हार्म पहुंचाए हम अपने मिशन में सक्सेस हो जाते हैं और क्रिमिनल्स अरेस्ट हो जाता है। मुझे ये बड़ा रिलैक्स फील कराता है, लेकिन साथ ही मैं पावर ऑफ इमोशंस, डायलॉग और FBI के डेवलपमेंट टूल्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का भी कायल हो जाता हूँ, जो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। फाइनली एग्जीक्यूटिव्स और स्टूडेंट्स के साथ काम करने के बाद मैं हमेशा उन्हें ये फील करवाने की कोशिश करता हूँ कि एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन का सीक्रेट राइट होना नहीं है, बल्कि एक राइट माइंडसेट का होना है। मैं 1998 में न्यूयॉर्क सिटी FBI क्राइसिस नेगोशिएशन टीम का हेड था। मैं हार्लेम में एक हाई राइज के 27वें फ्लोर पर था। मुझे खबर मिली थी कि इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट के अंदर हथियारों से लेस कम 3 क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं। काफी टेंशन सिचुएशन थी। हमें सिखाया गया था कि इस तरह की कंडीशन में हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, इसलिए हम एकदम न्यूट्रल मोड पर थे। बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि नेगोशिएशन में इमोशंस का कोई रोल नहीं है, इसलिए बेटर है कि लोगों को प्रॉब्लम से सेपरेट करके देखा जाए।
लेकिन जरा सोचो, आप लोगों को प्रॉब्लम से कैसे अलग करके देख सकते हैं जबकि उनके इमोशन ही प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली जब लोग हाथ में गन लिए हुए बेहद गुस्से में हो और डरे हुए हो। इसलिए एक ग्रेट नेगोशिएटर कभी भी इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, वो लोगों के इमोशन को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। खैर, बात करते हैं इस केस की। यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे सामने थी और वो ये कि जिसमें क्रिमिनल्स छुपे थे उस अपार्टमेंट में कॉल करने के लिए कोई टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं था, इसलिए मुझे डोर पे जाकर बात करनी पड़ी। 6 घंटे तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमें लगा शायद वहां पर कोई नहीं है, लेकिन तभी पास वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर ने हमें बोला कि उसने पर्दा हिलता हुआ देखा है। फिर धीरे से अपार्टमेंट का डोर खुला, एक औरत बाहर निकली जिसके पीछे तीनों क्रिमिनल्स बाहर आए। जब तक हमने उन्हें हथकड़ी नहीं पहना दी, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल था, तुम लोग 6 घंटों तक चुपचाप बैठे रहे तो फिर अचानक बाहर क्यों आए? तुमने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? मेरे इस सवाल का तीनों ने सेम जवाब दिया कि हम मरना नहीं चाहते थे लेकिन आपने हमें शांत कर दिया था। दरअसल जब हमें उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पे जाके उन्हें बोला, ऐसा लगता है तुम बाहर नहीं आना चाहते, शायद तुम्हें लगता है कि डोर ओपन होते ही हम तुम पर गोलियों की बौछार कर देंगे और शायद तुम लोग जेल भी नहीं जाना चाहते हो। एक्चुअल में ये एक टैक्टिकल एम्पैथी थी जिसमें हम उनकी फीलिंग्स और माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। फिर हम रियलाइज कर लेते हैं कि अब सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है। ये एक तरीका है जिसमें किसी के इमोशंस को हम वैलिडेट करने के लिए लाउडली एक्नॉलेज करते हैं और नेगोशिएशन की लैंग्वेज में इसे लेबलिंग बोलते हैं। ये काफी हेल्प करता है, खासकर तब जब सामने वाला बेहद गुस्से में हो या डरा हुआ हो। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है दूसरों के इमोशंस को डिटेक्ट करना, फिर आप उसे लाउडली लेबल करते हो और लास्ट में साइलेंस। लेबल फेंको और चुपचाप वेट करो ताकि आप उनकी बात सुन सको। लेबल अपना काम खुद कर लेगा। बीवेयर एस मास्टर नो, बीवेयर यस मास्टर नो। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। आप घर में हो कि तभी आपका फोन बजता है और आप देखते हो कि टेलीमार्केटर का फोन है। वो आपको कोई वाटर फिल्टर, मैगजीन सब्सक्रिप्शन या ऐसी ही कोई चीज का ऑफर दे रहा है। पहले वो आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर कुछ ऐसी ही गोल गोल बातें करेगा। वो अपनी पिच डालेगा, वो आपके कैसे भी करके फंसाने की कोशिश करेगा। वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। आपको लग रहा होगा कि आप उसके शिकार हो, लेकिन सच यही है कि उसने आपको फंसा लिया है। अब हम इस सेल्समैन की सेलिंग टेक्निक पर गौर करते हैं। ये हमसे किसी भी कीमत पर हाँ बुलवा लेते हैं, जैसे कि हम ना बोल नहीं सकते हैं। और बहुत से लोग वाकई में मना नहीं कर पाते, क्योंकि नो हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड है, रिजेक्शन का वर्ड। लेकिन नेगोशिएशन में हाँ बोलकर आप बुरे बनते हैं, सामने वाले को इससे और ज्यादा गुस्सा आता है। एक अच्छे नेगोशिएटर के लिए ना बोलना प्योर गोल्ड है। ये नेगेटिव तो है, लेकिन आपके और सामने वाले दोनों को समझ आता है आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। नो बोलकर हम नेगोशिएशन की शुरुआत करते हैं। ये उसका एंड नहीं है। हम ना बोलने से डरते हैं, लेकिन ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि मैंने सारे ऑप्शन कंसिडर कर लिए हैं, लेकिन मैं सबको मना कर रहा हूँ। और इसके अलावा लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है। जब हम लोगों को अपने ऑफर या आइडिया के लिए ना बोलने की फ्रीडम देते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या पीस की फीलिंग आती है। नो हाँ का अपोजिट है, लेकिन हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारे नेगोशिएशन का फाइनल गोल हाँ है। हालांकि स्टार्टिंग में इसे यूज मत करो, क्योंकि फिर आपके अपोजिटर को लगेगा कि आप उसे ओवरपावर करना चाहते हो। इसलिए उसे ना बोलने दो, उन्हें ज्यादा सिक्योर फील होगा। और कभी कभी तो सामने वाले को बातों में उलझाए रखने के लिए उनसे जबरदस्ती ना बुलवाना पड़ता है। लेकिन कैसे? उनके इमोशंस या उनकी नीड्स को जानबूझकर मिसलेबल करके आप ये कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए।
भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक।